जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और अब झारखंड की बारी आने वाली है। कभी भी चुनाव के तारीखों की घोषणा की जा सकती है और उम्मीद है कि दो एक दिन के अंदर जो है चुनाव घोषणा कर दिया जाएगा। 14-15 तारीख तक इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन एक बात जो लोगों के जहन में है वो ये है कि झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो कितने चरणों में होगा, मतलब कि कितने फेज में चुनाव होगा, क्योंकि इतिहास क्या कहता है और इस बार क्या संभावना है, इसी पर हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है। मदन, क्या लगता है कि इस बार जो झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है वो कितने फेज में होगा? देखिए, अगर आप पुराने ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो झारखंड में जो अब तक चुनाव हुए हैं उसमें सिर्फ एक बार ही तीन चरण में चुनाव हुए, सबसे कम अगर देखें तो तीन चरण में हुआ है, और उसके बाद अगर आप चुनाव को देखें तो वो पांच चरणों में हुआ है। तो संभावना इस बार भी जताई जा रही है कि सबसे पहला जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तीन चरण का वही दोहरा सकता है। हालांकि जो राजनीतिक दल यहाँ चुनाव आयोग के बैठक में जो शामिल हुए चुनाव आयुक्त की बैठक में, तो फिर उसमें सीधे तौर पर अगर हम कहें तो एक बार में यानी कि एक चरण में ही चुनाव कराने की मांग जो है दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से की गई है कि एक चरण में ही चुनाव कराए जाए। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है, जो उम्मीदें हैं, वो तीन चरण के आ रहे हैं, दो से तीन चरण में चुनाव कराने की संभावना है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें या फिर पिछले चुनाव को देखें तो 2005 में तीन चरण में चुनाव हुए थे, 3 फरवरी, 15 फरवरी और 23 फरवरी को मतदान हुआ था। और अगर 2009 में देखें तो 5 चरणों में मतदान हुए थे, 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 8 दिसंबर, 12 दिसंबर और 18 दिसंबर। यहीं अगर हम 2014 की बात करें तो इस 14 में भी 5 चरण में चुनाव हुए, 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 14 दिसंबर और 20 दिसंबर। यानी कि अगर 2005 की बात करें तो 2009 की बात करें तो 18 दिसंबर तक चुनाव जो है वो मतदान की प्रक्रिया पूरी करा ली गई थी, लेकिन वहीं 2014 में जो है इसे 20 दिसंबर तक ले जाया गया। लेकिन 2019 की अगर हम बात करें तो 5 चरण में 2019 में भी चुनाव हुए, 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर और 20 दिसंबर। यानी कि फिर 2014 के तरह ही 20 दिसंबर तक चुनाव की प्रक्रिया को ले जाया गया था। उसके बाद इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि तीन चरणों में चुनाव या 5 चरणों में चुनाव किस में होंगे, तो उम्मीदें ज्यादा जो है अभी चर्चा जिस पर हो रही है वो दूसरे तीन फेज में होने की है। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है, देखिए 5 प्रमंडल हैं झारखंड में, तो प्रमंडल वाइज चुनाव कराने की जो है ट्रेडिशन रहे हैं यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से या फिर सामाजिक दृष्टिकोण से भी अलग अलग क्षेत्रों में जो चीजें बटी हुई है, तो ऐसे में 5 चरण में चुनाव कराए जाते रहे हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग अंतिम मुहर लगाएगी इसको लेकर के, महज कुछ ही समय में कहें तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसमें 2 दिन का वक्त भी लग सकता है, 1 दिन का वक्त भी लग सकता है और 1 सप्ताह के भीतर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो मदन, एक चीज और देखें कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो अगर आप देखें तो उस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है और बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से झारखंड में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तो उससे जो है प्रशासन का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि चूंकि शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है तो फिर 5 फेज के बजाय हम इसे कम कर दें, 2 या 3 फेज में इसे हम लेकर आए, क्या लगता है? देखिए, ये जरूर है कि कम किया जा सकता है और जो पहले की परिस्थितियां थी, जो नक्सल वारदात थे जितने अधिक होते थे उसमें कमियां आई हैं। झारखंड में नक्सलियों पर एक लगाम लगाने की कोशिश हुई है, नक्सली घटना जो है वो कम हुए हैं और सुरक्षित चुनाव कराने में जो है कामयाबी हासिल हुई है। नहीं तो मुझे याद है कि जब भी चुनाव होते थे तो चुनाव कराकर जो मतदान कर्मी लौटते थे तो बस को ही उड़ा दिया जाता था, कई बम IED ब्लास्ट किए जाते थे, तो मतलब सब अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं
घटित होती रही, लेकिन अगर आप इस बार भी देखें तो जैसे कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी तीन फेज में चुनाव करा लिया गया है, तो उसके बाद ये संभावना बढ़ी है। हरियाणा में एक फेज में चुनाव हुआ है, तो ये देखने में लग रहा है कि फेजेस कम कर रहा है चुनाव आयोग। तो मुझे लगता है कि अगर हम झारखंड की बात करें तो अगर दो फेज में भी चुनाव हो जाए तो चौंकने की बात नहीं होगी। जरूर है कि जिस तरह से चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक दल है वो भी कह रही है कि एक फेज में ही चुनाव हो जाए, तो चुनाव आयोग इसे ज्यादा लंबा और खींचना नहीं चाहेगी। चुनाव आयोग भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी, और जब सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम उपायुक्तों ने भी अपनी तैयारी की रिपोर्ट दे दिए हैं, एसपी जो है वो अपनी सुरक्षा को लेकर के, पुलिस के वरीय अधिकारी जो हैं वो भी अपनी पूरी जो डाटा है वो दे दिया है कि कितने तैयार हैं हम चुनाव को लेकर के। लेकिन एक विषय जो है इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जब महाराष्ट्र का समय पूरा हो रहा है जल्दी, तो फिर झारखंड के चुनाव अगर साथ में होते हैं तो थोड़ा लंबा इसे खींचने की कोशिश होगी, और इसको लेकर के कहीं जो है चरण बढ़ाना दिया जाए, ये एक अंदेशा जो है हम कह सकते हैं हो सकता है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग 6 महीने के भीतर जो है चुनाव कभी भी करा सकती है, उनके पास ये शक्तियाँ हैं कि वो एक चरण में भी चुनाव करा ले, 5 चरण में भी कराएं, 3 चरण में भी कराएं। तो लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों के भी अपनी डिमांड हैं, और चुनाव आयोग भी जिस तरह से और राज्यों में भी और झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया है, तो इसके बाद जो है एक फॉर्मूला नया आ सकता है कि अब तक जो झारखंड में नहीं हुआ उसे 2 चरण में भी चुनाव को संपन्न करा लिया जा सके। देखिए, मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र का चुनाव होगा उसे अर्ली शुरू किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ विधानसभा में सीटों की संख्या झारखंड की तुलना में बहुत अधिक है, तो इसलिए वहाँ पर चुनाव जो है नवंबर में शुरू किया जा सकता है अर्ली। जबकि झारखंड में अगर हम चुनाव की बात करें तो 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस है, तो जो वोटिंग की तारीख होगी वो मुझे लगता है कि 15 नवंबर के बाद की ही होगी, और मुझे लगता है कि वो संभवतः 20 से 25 के बीच में हो सकती है कि कोई 2 दिन निकाला जाए। क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए झारखंड में जिस तरह से भगवान बिरसा का जन्म जयंती होता है और उसके बाद कई ऐसे त्योहार भी हैं जो पहले नवंबर तक जाएंगे, तो उसके बाद ही ये संभावना जताई जा सकती है कि झारखंड में चुनाव के तारीख की घोषणा हो सकती है। लेकिन अब चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, उपायुक्तों से जो निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं उनसे क्या फीडबैक मिला है, या चुनाव आयोग महाराष्ट्र को भी देखते हुए एक शेड्यूल जो है तैयार करता है, तो फिर किस तरह से सेट करता है मतदान की तारीख या फिर मतगणना की तारीख, वो सारा कुछ जो है चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। लेकिन जो ट्रेडिशन रहे हैं 3 चरण और 5 चरण, तो क्या इस बार वो ट्रेडिशन टूट जाएगा, यानी कि 2 चरण में ही चुनाव हो जाए, या फिर 1 चरण में चुनाव हो जाए, या फिर वही चीज दोहराता है 5 चरण में चुनाव होता है, ये देखने वाली बात है। तो देखिए, ये देखना होगा कि इस बार झारखंड में कितने चरणों में चुनाव होता है, चुनाव आयोग की क्या योजना है। हालांकि परिस्थितियां जिस तरह से बन रही हैं उससे लगता है कि इस बार झारखंड में जो है कम फेज में ही इलेक्शन कराया जाएगा, 2 या मैक्सिमम 3 फेज में। तो इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग तब हमें सारी चीजें पता चलेंगी। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।